the most gracious, the most merciful. This is ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 0305-63-19464. Respected students, today we are going to discuss speaking skill topic. Topic is that one lady, she is going to have a business for her husband. So she is having discourse with her husband, and she's guiding how to start a business. The husband is Bob and wife is Susan. Let's see. वो अपने husband से कहती है, Are you prepared to work like a dog? Work like a dog का मतलब होता है कि बहुत शदीद मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, करने को कहते हैं work like a dog. अब यहां पे अगर कोई किसी को कहे आर यू रेडी टू वर्क लाइक अ डॉग, तो वो गुस्सा कर लेगा. लेकिन ये idiom है, ये उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बनाया हुआ है. तो वर्क लाइक अ डॉग का मतलब है यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, यू आर हैविंग हार्ड वर्क. इट इज नोन एज वर्किंग लाइक अ डॉग. तो आगे से वो जवाब देता है, आंसर देता है, नो आर यू प्रिपेयर टू वर्क लाइक अ डॉग? नो आई एम गोइंग टू हायर यू टू वर्क लाइक अ डॉग. वो उसे पूछता है कि क्या तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो? वो कहती मैं तुम्हें हायर कर रही हूं कि तुम वर्क करो लाइक अ डॉग. ये तो ये क्वेश्चन है, ये कन्वर्सेशन है. सूजन अपने हस्बैंड के साथ डिस्कशन कर रही है, डिस्कोर्स कर रही है. कुछ इडियम है, काइंडली लिख लें. ब्राइट एंड अर्ली, इसका मतलब लिख लें अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठना, उसको कहते हैं ब्राइट एंड अर्ली. क्रैश कोर्स, आपने देखा होगा कहीं लिखा हुआ क्रैश कोर्स, के लेट्स हैव अ क्रैश कोर्स, आई एम गोना टीच यू क्रैश कोर्स. क्रैश कोर्स का मतलब होता है शॉर्ट और इंटेंसिव इंस्ट्रक्शन. शॉर्ट लेकिन वर्बोस इंस्ट्रक्शन, शॉर्ट इंस्ट्रक्शन बट टू द पॉइंट, उसको कहते हैं क्रैश कोर्स. फैट चांस का मतलब होता है नॉट, डेफिनेटली नॉट, जिसमें कोई चांस ना हो एक्सेप्टेंस का, उसे कहते हैं फैट चांस. आर यू गोइंग टू पास एग्जाम? तो आप कह सकते हैं फैट चांस. फैट चांस का मतलब है कोई अमकान नहीं है पास होने का. नो देर इज नो चांस टू गेट पास. आर यू गोइंग टू पास दिस एग्जाम? तो अगर आप कहते हैं फैट चांस, इसका मतलब डेफिनेटली नॉट. आर यू एबल टू गो थ्रू दिस एग्जाम? अगर फैट चांस, डेफिनेटली नॉट. टू गिव इट अ शूट, टू गिव इट अ शॉट, यह है टू गिव इट अ शॉट. टू गिव इट अ शॉट का मतलब है टू ट्राई समथिंग, ट्राई करना, कहते हैं शॉट. शॉट मीन ट्राई. टू गिव इट अ शॉट, try something, किसी को try करना. I'm going to give it a shoot by having a new business. मैं एक नया business करने की, give it a shoot का मतलब try कर रहा हूं. You can't open this jar, let me give it a shoot. तुम इसको, इस jar को open नहीं कर सकते, let me give it a shoot, मुझे try करने दो. Let me, मुझे, give it a shoot, मुझे इसे try करने दो. आगे हैप्पी कैंपर का मतलब होता है, ये स्लैंग है, अ हैप्पी पर्सन. हैप्पी कैंपर का मतलब लिख लें ऐसा शख्स जो सेटिस्फाइड हो, जो खुश हो, उसे कहते हैं हैप्पी कैंपर. यू आर नॉट अ हैप्पी कैंपर, तुम खुश इंसान नहीं हो, यानी खुश नहीं हो. मिक्स्ड फीलिंग का मतलब होता है कि आपको खुशी भी हो साथ साथ परेशानी भी हो, उसे कहते हैं मिक्स्ड फीलिंग. Feel positive as well as negative. Feel happy as well as sad. इसको कहते हैं mixed feeling. ये भी एक idiom है. Mixed feeling का मतलब लिख लीजिए happy as well as sad. आप खुश भी हैं और sad भी हैं. My brother is staying with me and I am with mixed feeling. और मैं mixed feeling हूं, mixed feeling happy as well as sad. आगे जी needless to say का मतलब होता है obviously.
नॉट हैव अ क्लू का मतलब होता है नो टू नो नथिंग, तुम कुछ नहीं जानते, इसका मतलब यू डोंट हैव एनी आइडिया. नॉट अ स्लीप, नॉट स्लीप अ विंक, नॉट स्लीप अ विंक का मतलब होता है टू बिकम अवेक ऑल नाइट, यानी काफी देर तक जागना उसको कहते हैं नॉट स्लीप अ विंक. आगे आ गया जी वर्क लाइक अ डॉग, उसका मतलब है वर्क वेरी हार्ड, ये वही चीज है. लेट्स सी कन्वर्सेशन है. आगे सुजन कहती है स्टूडेंट स्टे अप एट ऑल नाइट थिंकिंग अबाउट हर कुकीज बिजनेस, कुकी की बिजनेस, वो जो तैयार करते हैं कुकीज वहां पे, लाइक कुकीज वो कहते हैं उसको, जैसे हमारे यहाँ पे नहीं होते रस टाइप चीजें इस तरह की, तो इस तरह कुकीज होती हैं. इन द मॉर्निंग शी डिस्कसेस इट विद बॉब, बॉब अग्रीज टू वर्क फॉर हर, बॉब को हायर करना चाहती, कहती मैं कुकीज बनाऊंगी तुम कुकी को सेल करना, मैं जस्ट प्रिपेयर, मैं कहूंगी तुम कुकीज को सेल करना, वो अपने हस्बैंड को ऑफर कर रही है लेट्स हैव अ बिजनेस बिकॉज ही हैज लॉस्ट बिजनेस, ही हैज लॉस्ट जॉब. बॉब यू आर अप ब्राइट एंड अर्ली दिस मॉर्निंग सूजन, यू आर अप ब्राइट एंड अर्ली दिस मॉर्निंग, अब कि तुम सुबह सवेरे उठ पड़ी हो. सूजन उसे कहता है क्या मसला है, वो कहता है सूजन आई डिडंट स्लीप अ विंक, मैं सारी रात नहीं सोई, आई वॉज अवेक ऑल नाइट थिंकिंग अबाउट न्यू बिजनेस, सारी रात नए बिजनेस का सोचती रही. आगे कहता है बॉब कहता है रनिंग योर ओन बिजनेस इज अ लॉट ऑफ वर्क, अपना काम करना कहता है ये बहुत मुश्किल काम. आर यू प्रिपेयर टू वर्क लाइक अ डॉग, अब बॉब उसे कहता है क्या तुम यानी अपना बिजनेस करोगी आप सोचती रही हो, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो बड़ी हार्ड वर्क की जरूरत है, वर्क लाइक अ डॉग की जरूरत है. सूजन कहती है नो बट आई एम प्रिपेयर टू हायर यू टू रन द बिजनेस. बॉब कहता है यू वांट मी टू रन कुकी बिजनेस, फैट चांस का मतलब कोई चांस नहीं, नॉट पॉसिबल, फैट चांस रिजल्ट जीरो, नॉट, ऐसा नहीं हो सकता, डेफिनेटली नॉट. सूजन व्हाई नॉट, फैट चांस का मतलब याद रखें नॉट चांस, डेफिनेटली नॉट, ये इसका मतलब है कोई चांस नहीं, फैट चांस कहती व्हाई नॉट. बॉब आई डोंट हैव अ क्लू अबाउट मेकिंग कुकीज, मुझे तो कुकी बनाने का कोई क्लू भी नहीं है, मैं जानता ही नहीं, आई डोंट इवन नो हाउ टू रन द ओवन ऑन, मैं तो ओवन को ऑन करना भी नहीं जानता. सूजन आई गिव यू अ क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स मीन कि मैं तुम्हें गाइड करूंगी, फुल्ली गाइड करूंगी, मैं तुम्हें नो हाउ दूंगी, क्रैश कोर्स का मतलब है आई गिव यू क्रैश कोर्स. बॉब डू आई हैव टू डू द बेकिंग, डू आई हैव टू डू द बेकिंग. वो आगे से कहता है कि क्या मुझे खुद बेकिंग करनी पड़ेगी, कुकिंग करनी पड़ेगी, उसे पकाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. आगे से वो कहती है सूजन नो, यू जस्ट मैनेज द बिजनेस साइड, तुम सिर्फ बिजनेस साइड को मैनेज करोगे. आगे वो अब कहता है नीडलेस टू से अब मिक्स फीलिंग अबाउट वर्किंग फॉर यू, अब इसको आई हैव भी बोल सकते हैं, अब मिक्स फीलिंग अबाउट वर्किंग फॉर यू, यानी मैं क्या सोच रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों को मैं हूं, यानी आई एम इन द स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, मिक्स फीलिंग आई एम इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी नॉट वेल डिसाइडेड अबाउट इट. सूजन आगे से कहती है आई बी नाइस, आई प्रोमिस यू विल बी हैप्पी कैंपर, मैं प्रॉमिस करती हूं कि तुम खुश रहोगे, तुम एंजॉय करोगे, तुम हैप्पी पर्सन बन जाओगे, तुम खुशहाल बन जाओगे. बॉब कहता है ओके लेट्स गिव इट अ शूट दिस बॉस, चलें फिर स्टार्ट ट्राई करते हैं, इसका मतलब है लेट गिव इट अ शूट बॉस के ट्राई, चलो बॉस ट्राई करते हैं. वो अपनी वाइफ से कह रहा है चले जी हम ट्राई करते हैं. तो ये थी, ये थे idioms.